के जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब चर्चा करनी हो तो भाषा जो है वो भी अनुकूल तभी बैठती है जब हम शांत होते हैं। तो विचार और भाषा, इन दोनों के में सुसंगतता बिठाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता जो है वो शांति की है। और ये जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में जो आप दो तीन बातें देखेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं मुख्य वक्ता से आप सभी का परिचय करवाऊंगा। मुझे ऐसा जो समझ में आता है भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा जो है उसमें जब भी कोई कार्य आरंभ किया जाता था, विशेष रूप से उपनिषदिक कार्य जो है वो शांति पाठ से शुरू होते थे, और उसके बाद शांति पाठ के बाद जितना भी अभीष्ट कर्म है उस कर्म को करने के बाद मंगल, कल्याण या आनंद की हम प्राप्ति करते थे। ये आप नीचे देख सकते हैं, स्लाइड के नीचे की ओर देखें। तो इसका मतलब है कि जो मेंटल वेलबींग की जो हम बात करने जा रहे हैं, अंतःकरणिक स्वास्थ्य की जो हम बात करेंगे, उसकी दो सीमाएं हैं, दो धुरियां हैं। शांति से वो आरंभ होता है, और जो स्वास्थ्य होगा वो आपको मंगल, कल्याण या आनंद की वो प्राप्ति करवाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी सही है ये, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है जितना मैं संस्कृत को देख पा रहा हूं या संस्कृत की कल्चर को देख समझता हूं या देखता हूं। तो शांति और मंगल के बीच में जो है वो अंतःकरणिक जो स्वास्थ्य है उसकी हमें बात आज करनी है। बीच में ये जो आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल, इसको पढ़ लीजिए। ये मैंने केवल आजकल के लोगों को ध्यान में रखकर के, आजकल जो साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और इवन यूएनओ जो कुछ हमारे साथ शेयर करती है, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करती हैं, अपने मोरल बूस्ट करने की बात करती है, कुछ ना कुछ करने के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं, इस तरह का वो मोटिवेशनल चीजें हमें कहते हैं। लेकिन मुझे उसमें बड़ा संदेह होता है कि ये किस तरह की मोटिवेशनल बातें हमारे साथ करते हैं, कि इसका मतलब हम हजारों साल से एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ मनुष्यता का निर्माण ही नहीं कर पाए कि हमें उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। क्यों नहीं हम एक ऐसी स्वस्थ संस्कृति निर्मित करते जहां पर आपको मोटिवेशनल बातें करने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे जब मैंने अभी पीछे एक वेबिनार अटेंड किया था, इंटरनेशनल वेबिनार, जिसमें यूएनओ के भी, डब्ल्यूएचओ के भी लोगों को आमंत्रित किया हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने, और मैंने वो देखा कि वो लोग बातें क्या कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने को ब्रीदिंग करें, किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, किस तरह से आप जो है वो मेडिटेट करते रहें, लेकिन कोई भी उनमें से एक व्यक्ति को भी मैंने ये नहीं देखा कि वो इंडियन ट्रेडिशन को कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार हो। सारे का सारा जो क्रेडिट जा रहा है कि देखो हम बड़े रैशनलिस्ट हैं, हम बड़े साइंटिफिक हैं, लेकिन सारी की सारी मूलभूत बातें कहाँ से उठा के ला रहे हैं, सारी की सारी बातें संस्कृत से या भारतीय परंपरा आप उसको कह लीजिए। अब यहां पर जो मुझे जो कठिनाई होती है कि क्यों नहीं हम अपनी परंपरा से हम जो है लोगों को या लोगों के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करते, पॉलिसी प्रस्तुत करते हैं या एक कल्चर प्रस्तुत करते हैं जिससे कि सभी लोग जो हैं वो एक मानसिक स्वस्थता का अनुभव करें। वो कहने की भी बात नहीं है, आप स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ होते हैं। इसीलिए जब मैं यूएनओ या डब्ल्यूएचओ या सोशल साइंटिस्ट की व्याख्याएं देखता हूं, जो कि आगे मैं एक दो मिनट में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, उससे पूर्व जब मैं आपको ये स्लाइड देखने के लिए कह रहा हूं तो इसमें ये चार मैंने आपके सामने चित्र रखे हैं। अब डब्ल्यूएचओ की जो परिभाषाएं हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलबींग की, आप राम, कृष्ण, जैन और बुद्ध, मैंने ये चार लोगों का चुनाव किया है, चार चरित्रों का चुनाव किया है। अब आप मुझे इसमें बताएं कि WHO की जो परिभाषा है मेंटल हेल्थ की, वो इन चारों के ऊपर कहाँ लागू हो सकती है या कैसे लागू होती है, क्या वो इनके साथ तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता, या तो ये लोग गलत हैं या WHO की परिभाषा
अप्रासंगिक है, अनुचित है और उसमें दोषपूर्ण है। मुझे नहीं लगता, मैं WHO की परिभाषा से सहमत नहीं हो पाता। और फिर एक प्रश्न और भी मेरे मन में जो तकलीफ देने वाला होता है कि जब टीचर्स को मोटिवेशनल बातें बताई जाती हैं कि आप लोग कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, ये क्या पागलपन की बातें हैं। एक टीचर को मोटिवेट करने की जरूरत पड़े, किसी वर्कर को आप मोटिवेट करें तो चलो समझ में आता है, किसी इंडस्ट्रियल वर्कर को आपने मोटिवेट करना है, लेकिन एक टीचर को मोटिवेट करना पड़े, ये तो बड़ी शर्मनाक सी बात मुझे महसूस होती है। इसलिए मुझे ये लगता है कि हम लोगों को उस कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है जो मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें एक इनबिल्ट सिस्टम है, उसके लिए आपको कहना नहीं पड़ता। समाज भी स्वस्थ है, व्यक्ति भी स्वस्थ है, उसके लिए आपके कोई अलग से प्रयास करने की अपेक्षा नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं जो बात आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो दो घड़ियों के बीच में करूंगा कि शांति और कल्याण, वेलबींग, तो उसके बीच में टोटल एक जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग है वो स्थापित होता है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्लाइड को चेंज करिए जी। तो आज की इस चर्चा के लिए हमने जिन विद्वान वक्ता को, जिनके पास शास्त्र भी है, युक्ति भी है और अनुभव भी है, क्योंकि यही तीन चीजें अपेक्षित होती हैं, यही तीन तत्व अपेक्षित होते हैं किसी भी विद्वान से, किसी भी ज्ञाता से, कि उसके पास शास्त्र भी हो, उसके पास युक्ति भी हो और उसके पास अनुभव भी हो, तो उससे हम दिशा निर्देश लेते हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से ये निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वो हमें इस विषय में अपना शास्त्र ज्ञान का निर्देश भी करें, हमें युक्ति करना भी सिखाएं और हमें अपने अनुभव से भी परिचित करवाएं, ताकि हम सोशल साइंटिस्ट को चुनौती भी दे सकें, हम उनको बता सकें कि कम से कम अपनी कल्चरल जो वैल्यूज हैं या अपनी जो कल्चर की धारा है उसको तो एक बार देख लें, इस तरह की मोटिवेशनल लेक्चर्स देने की बजाय। मैं बिल्कुल भी मोटिवेशनल लेक्चर्स के समर्थन में नहीं हूँ, अपने कॉलेज में भी और बाहर भी, लेकिन उस पर चर्चा मैं आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर काल में करूंगा। तो डॉक्टर साहब के जो परिचय है, हालांकि जिन लोगों ने उनको पहले भी सुना है वो परिचित होंगे, लेकिन फिर भी ये मेरा दायित्व है कि मैं उनका एक औपचारिक रूप से परिचय आप सभी प्रतिभागियों से करवाऊं और उनका स्वागत भी करूं। डॉक्टर साहब जो है वाइस चांसलर रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में, और उससे पूर्व वो प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में। आप में से अनिल जी कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वो डिस्टरबेंस रिकॉर्डिंग में करेगा, उसका लाभ नहीं है। तो अनिल शर्मा जी, हाँ जी, धन्यवाद। और इसके साथ इंडियन साइकोलॉजी में वो लीडिंग पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने बहुत कुछ इंडियन साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के प्रयास अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किए और उसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई जगह पर इस विषय को स्थापित और सुस्थापित करने के प्रयास किए हैं और उसके कई जगह सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब की जो उपलब्धियां रही हैं, 91-92 में फुल ब्राइट फेलो रहे हैं वो, और उसके साथ ICSR में जो सर्वे ऑफ साइकोलॉजी रहे हैं उसके एडिटर, चीफ एडिटर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनको नेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी मिला है और इसके अतिरिक्त उनकी कई पुस्तकें जो हैं हिंदी और इंग्लिश में जो हैं वो हमें उपलब्ध होती हैं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं और बल्कि अपेक्षा के साथ साथ मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि एक पुस्तक जो जरूर एक भारतीय मनोविज्ञान पे वो अवश्य प्रकाशित करें, जिसमें एक पूरा फॉर्मेट जो है कि भारतीय मनोविज्ञान क्या हो सकता है और उसका स्वरूप क्या खड़ा होता है और उसका कंटेंट क्या होगा, उस सारे के विषय को लेकर के वो एक पुस्तक अवश्य वो प्रकाशित करें, ये मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसी के साथ अब एक बार आप फिर उन मूल चर्चा पर हम आते हैं। तो आप देखिए कि मेंटल हेल्थ की जो हम बात करते हैं वो क्या है, इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस बट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग
in which an individual realizes his or her own abilities, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. ये WHO की परिभाषा है। अब उसके नीचे अगर आप देखें, संस्कृत का एक बड़ा सरल सा एक जो प्रार्थना कहना चाहें या इन्वोकेशन है, प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि संस्कृत साहित्य में कोई प्रार्थनाएं हैं, वहां इन्वोकेशंस हैं कि सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सभी का कल्याण हो, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु। इससे ज्यादा बढ़िया परिभाषा या फॉर्मेट हमारे पास क्या उपलब्ध हो सकता है? WHO और इस संस्कृत की चार पंक्तियों को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक तुलनात्मक दृष्टि से आपकी युक्ति और आपका जो रीजनिंग है वही आपका इसमें अंतर बता देगा। और ये जो तीसरा जो चित्र आप इसमें देख रहे हैं वो आजकल की रिकमेंडेशंस हैं कि इस तरह से आप एक पूरा तामझाम अपने चारों ओर बनाएं और फिर उसके बाद आप आंख करके बैठें और फिर अपने को विश्वास दिलाएं कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इट्स गोइंग टू बी ओके। लेकिन एक सहज जीवन की जो शैली होनी चाहिए थी, जो भीतर मेरे सामंजस्य रहना चाहिए था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता और उसी पर आज हम चर्चा करने आ रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं दो चार बातें जो उलझी हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी बात शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये थोड़ी सी उलझी हुई सी स्लाइड आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़े धैर्य के साथ इसको देखें। जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें अहम यानी कि मैं, उसके तीन भेद हैं, तीन भाग हैं। तीन भागों में क्या है? कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता, डूअर, नोअर और इंजॉयर। इन तीन पक्षों से ही आपको अपना बैलेंस, अपने मेंटल हेल्थ को एवेल्युएट करना होगा कि कर्ता के रूप में आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, भोक्ता के रूप में, इंजॉयर के रूप में आपकी मेंटल हेल्थ क्या कहती है, और नोअर के रूप में आपकी मेंटल हेल्थ का क्या है। अब इन तीनों की मेंटल हेल्थ में तीन चीजें बड़ी, तीन शक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से। मैं इसको एक तरह से मॉडल और एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितने भी सोशल साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं कि वो इससे सहमत ना हो और वो इसके विपरीतता में जो तर्क उपस्थित करना चाहे वो बाद में हमारे साथ शेयर करें। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो मेरे साथ जब ये तीन शक्तियां जुड़ती हैं और इनमें तालमेल नहीं बैठता तो मेरी मानसिक अस्वस्थता आती है, मेरे मेंटल हेल्थ का जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाता। अब इसमें मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या उसके कल्चर के तीन पहलू हैं। तीन पहलुओं में से ये पहला पहलू है व्यवहार करते हुए, या तो आप अपने आप को वस्तु के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अहम इदम, ये जो संस्कृत का शब्द है कि आई एम दिस, अंग्रेजी में आप इसको आई एम दिस कहते हैं, आप वस्तु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपके मेंटल हेल्थ की स्थिति जो है वो गड़बड़ाने लगती है तुरंत, क्योंकि आप वो नहीं है जिस चीज के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो व्यवहार की स्थिति है जहां पर मेंटल हेल्थ की गड़बड़ाहट होती है वो क्या है? इदम अहम। आप वस्तु आपके साथ, अपने आप को आप किसी अन्य के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि दिस इज आई, जबकि आप ये शरीर, और ये जो शरीर आपको दिया गया है और मन जो है वो आप अपने इंप्रेशन से इकट्ठा करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इदम अहम और अहम इदम दोनों स्थितियों को देखना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से जो है वो मेंटल हेल्थ में एक मेंटल हेल्थ का प्रोपोर्शन गड़बड़ाता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है जो संस्कृत साहित्य में आपको देखने को मिलेगा, वो है कि अहम अहम इदम इदम, ये मेंटल हेल्थ का एक मूल आधार है कि मैं हूं और वस्तु वस्तु है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तब उसके अनुकूल इस ज्ञान के आधार पर जो मेरा व्यवहार होगा तो वो एक मेंटल हेल्थ के व्यवहार को निश्चित करेगा। अब इस मेंटल हेल्थ की जो आप इधर देख रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, छह शब्द आप देखिए जो मेंटल हेल्थ को गड़बड़ाते हैं, जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को सही नहीं रहने देते। सबसे पहले है माया। माया शब्द को
यहाँ पर टेक्निकल इस अर्थ में प्रयोग किया है इंडिविजुअलिटी, कि जब आप लिमिटेशन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी जो है वो माया शब्द का है, यहाँ पर आप इसको किसी और अर्थ में नहीं लीजिएगा, उसमें वेदांत या अन्य दर्शनों के संदर्भ में नहीं लेंगे। नियति है आपका लिमिटेशन ऑफ स्पेस, लिमिट काल का मतलब है लिमिटेशन ऑफ टाइम, राग का मतलब है लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, विद्या का मतलब है लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज, और कला का मतलब है लिमिटेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी। तो ये छह जो तत्व हैं, ये छह जो पक्ष हैं, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के बाधक हैं, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं रहने देते। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने अंग्रेजी में सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसके साथ एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखिए कि मैंने कुछ एक चीजें लिखी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी आपको सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं, लेकिन इनको हम टेक्निकली कभी भी मेंटल वेलबींग के मॉडल में इनको हमने कभी ऐड नहीं किया। किसी साइकोलॉजी वाला इन चीजों को इस तरह से एडअप नहीं करता, सोशल साइंटिस्ट इन चीजों को ऐड नहीं करते, और हम संस्कृत वालों ने भी इन चीजों को कभी इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि सोशल साइंटिस्ट इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये सभी जानते हैं, मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इसके अतिरिक्त व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये भी आपके मेंटल वेलबींग के में बाधक तत्व हैं। योग दर्शन से ये मैंने लिए हुए हैं, तो ये भी उसमें एक बाधक है। तो इस तरह से ये छह तत्व एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ये जो सारे बाधक हैं, इन दो के बीच में यदि हम शांत रह सकते हैं तो उस शांति से क्या होगा कि हम जो अंतःकरण है, अपना अंतःकरण शब्द प्रयोग कर रहा हूं माइंड के लिए, मन शब्द नहीं मैं प्रयोग कर रहा, तो वहां पर आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, धी, मनीषा आदि लगभग 21 शब्द हैं जो आपके अंतःकरण को बनाते हैं, जो माइंड शब्द से क्लियर नहीं हो सकते। तो उन 21 तत्वों से बना हुआ जो आपका अंतःकरण है वो आपका स्वस्थ हो सकता है, और स्वस्थ का मतलब भी है अपने में स्थित होता हुआ, स्वस्मिन स्थितः, कि अपने में वो स्थित हो सकता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, दैट विल रिस्पॉन्ड टू एवरी सिचुएशन, टू एवरी थिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि अंतःकरण जो है वो हमारा रिस्पॉन्ड करता है तो हम स्वस्थता कहेंगे, और अगर वो रिएक्ट करता है तो इसका मतलब है वो अशांत है। अब इस शांति से लेकर के इस अंतःकरण के माध्यम से हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और मंगल को। तो ये एक प्रकार का जो है मॉडल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। हम संस्कृतज्ञों को सोशल साइंटिस्ट के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ बैठ करके इस तरह की बातों को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जिस तरह की रिक्वायरमेंट, जिस तरह का उनका रैशनलाइजेशन का सिस्टम है उसको हम समझते हुए इस बात को आगे रखें। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं और आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता को कि वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करें कि किस रूप में अंतःकरण एक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जो है उसका, उसको वो देखते हैं, किस तरह से युक्तिपूर्वक उसको रखते हैं, शास्त्रीय रूप में हमारे साथ शेयर करते हैं, और किस तरह से वो उनके अपने अनुभव रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगभग अगले 50-1 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम चर्चा रखेंगे। और सभी प्रतिभागियों के लिए दोबारा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चैट बॉक्स में केवल आप लोग अपना नाम, पता और ईमेल, मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके अतिरिक्त कोई गुड मॉर्निंग वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। और यथा समय जो है हम आपके साथ लिंक बीच में शेयर करेंगे, तो प्लीज वो बीच में मैसेज में डालिएगा कि भाई आप लिंक जल्दी शेयर कर दें, उचित समय पर हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे और आपसे भरवाएंगे भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी को कि वो हमारे साथ अपनी बात शेयर करें, हमें दिशा निर्देश दें और हमारी दृष्टि का वो विस्तार करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद जी, इसको प्रेजेंटेशन को आप बंद कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, नीचे प्रेजेंट में जाकर के इसको बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद, थैंक यू।
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सबका आज की बैठक में विशेष रूप से स्वागत। प्रिय भाई आशुतोष जी, जिस सारस्वत यज्ञ को बड़े तल्लीनता के साथ चला रहे हैं, वह बड़े स्वागत का विषय है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारतीय चिंतन को जीवंत कैसे बनाया जाए और उसे आज की दुनिया में भी प्रासंगिक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह उनके प्रयासों के केंद्र में है, यह उनकी मूल चिंता है और मैं हृदय से इसका स्वागत अभिनंदन समर्थन करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसकी स्थापना आशुतोष जी ने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख की है और मुझे तो लगता है कि जितनी आवश्यक बातें थीं उनको बड़े सूक्ष्म रूप से उन्होंने आपके सामने रखा। मुझे लगता है कि मैं उसमें कुछ अधिक जोड़ नहीं पाऊंगा, कुछ उनका विस्तार करूंगा और एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कैसे इसका तालमेल बैठाया जाए इसके विषय में कुछ बात करूंगा। मैं सचमुच मुग्ध हूँ आशुतोष जिसके यत्न और उनकी जो दृष्टि है उसको देख करके। स्वास्थ्य जो है वह देश और पूरे विश्व के सामने एक जटिल चुनौती है और सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षित किया जाए यह कामना WHO की है, सभी देशों की है। हेल्थ फॉर ऑल, ये उनका एक नारा है, स्लोगन है। पहले था कि 2000 तक हो जाएगा लेकिन वो तो नहीं हो पाया। और स्वास्थ्य जो है वह जैसा कि WHO की परिभाषा भी हमारे सामने रखी थी आशुतोष जी, उसमें जो कहा गया है वो ये है कि भाई मात्र रोग का उपस्थित होना ही स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य जो है एक सकारात्मक स्थिति है जिसमें कि मनुष्य सक्रिय रूप से उत्पादक कार्यों में संलग्न होता है और अपना योगदान देता है। तो यह एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव कंडीशन है जो कि हमको कार्य के लिए सक्रिय करती है और समाज के सदस्य के रूप में जो हमारी भूमिका है उसको हम ठीक से निभा पाते। मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति के लिए इस प्रकार का विचार काम चलाऊ है और एक अर्थ देता है और कुछ कुछ यह बात शामिल है अपने विचार में भी, लेकिन जो भारतीय विचार है वह थोड़ा इससे व्यापक है और भिन्न। एक जो महत्व की बात यहाँ रेखांकित की जानी चाहिए वो ये है कि पूरा का पूरा जो पश्चिमी विचार है
वह अभी तक प्रसिद्ध दार्शनिक जो डेकार्टे हुए थे केवल अगली शताब्दी में, उन्होंने कहा कि भाई बॉडी और माइंड ये दोनों अलग अलग चीज है। और उन्होंने कहा कि माइंड जो है उसका संबंध सोल से है और बॉडी जो है उसका, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोल और माइंड कहीं कहीं एक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं और वह इस तरह से शरीर से जुड़ता है, इसके अलग अलग उपाय बताए गए मनोविज्ञान भी इसी प्रकार की अवधारणा से ग्रस्त रहा है। भारतीय चिंतन की दृष्टि थोड़ी भिन्न है। हम लोग आज प्रायः शरीर को ही सत्य मानते हैं, किसी को सीमा मानते हैं, पश्चिमी सोच है। हालांकि हम लोगों के बहुत सारे आचार ऐसे हैं जो शरीर को नष्ट कर देते हैं, मृत शरीर जो है उसको जला दिया जाता है। कम से कम वह यह इंगित करता है कि यह शरीर अंतिम सत्य नहीं है, शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। हालांकि बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर जो है वह धर्म के आचरण का साधन है। लेकिन जो हमारा अस्तित्व है वह शरीर मात्र नहीं है, यह बात अनेकशः जो है वह तमाम तमाम संदर्भों में आई। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जिक्र आएगा ही आएगा, और वहां जो कहा गया है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जब आत्मा इंद्रिय मन ये प्रसन्न हो तब कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थ की परिभाषा कुछ इस प्रकार की गई। दूसरी जो स्वास्थ्य को लेकर के बार बार जिसका उल्लेख किया जाता है, आप पढ़े होंगे कि हर जगह साम्यावस्था हो, धातु मल आदि आदि सभी में जो है एक प्रकार की संतुलन की अवस्था मौजूद हो तो सारी चीजें ठीक हो रही है, उसे कहें। और कहीं केवल शरीर की बात नहीं, शरीर से अतिरिक्त सत्ता की बात है। माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म दोनों की चिंता है, पिंड की भी चिंता है, ब्रह्मांड की भी चिंता है। तो शरीर से अतिरिक्त जो व्यापक सत्ता है उसका महत्व है। योग का भी पूरा पूरा जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं आत्मबोध का है, जैसा कि कहा गया है। अब अपने स्वरूप को समझना और अपने स्वरूप में स्थित हो पाना, यह योग का उद्देश्य है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो स्वस्थ, जैसा कि आशुतोष जी ने संकेत किया कि जो अपने में स्थित है वह स्वस्थ है, और जो अपने में स्थित है वही योगी भी है। और योग जो है वह भी अपने में स्थित होने की ही प्रक्रिया है, पूरा का पूरा प्रयास यही होता है कि अपने आप में कैसे स्थित हुआ जाए। और इसके स्थित होने के क्रम में जो उपाय बताया गया वो चित्त शब्द, अब चित्त और मन और अंतःकरण फिलहाल मान लीजिए कि एक ही है, तो चित्त को और मन को, अंतःकरण को, अहंकार को, सब जो है ये थोड़ा सा अलग ही चर्चा का विषय है। एक बार हम लोग चर्चा
कर भी चुके हैं, हमें लगता है कि ये अलग अलग फंक्शंस हैं और मन जो है ये नाना रूप लेता है। मुझे योग वासिष्ठ का ही जो उसमें व्याख्या जो मिलती है वो ज्यादा ठीक लगती है, मन के ही अलग अलग रूप है और जितना नाम उनको आप दे दीजिए उसमें, तो मेरा ख्याल है 20-21 नाम दिए गए वो सभी मन के ही अलग अलग रूप हो जाते हैं। जो जैसा जैसे कोई एक नायक है और वह भिन्न भिन्न नाटकों में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है और कभी वह प्रेमी लगता है, कभी योद्धा लगता है, पति पत्नी, नाना प्रकार की भूमिकाएं हर फिल्म में, एक एक एक्टर कई कई सौ फिल्में करते हैं और उसमें नाना प्रकार की भूमिकाएं वो निभाते रहते हैं। तो मन जो है वो इसी प्रकार से है, सरल नहीं है, लेकिन मन जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। अंतःकरण जो है वह इन भिन्न भिन्न भूमिकाओं को निभाता है। फर्क यह करना कि ये अलग अलग भूमिकाएं हैं और ये अलग अलग भूमिकाएं जो है देश काल पात्र इनसे जुड़ी हुई हैं, वो बस भूमिकाएं मात्र हैं और वो उससे परे है। तो वैसे है कठोपनिषद में भी है, गीता में भी है, भाई जो आत्मा का विचार है वह जो अस्तित्व है वह मन बुद्धि इन सबसे परे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई यह मान करके व्यवहार करे कि यह शरीर ही हम हैं, तो इदम वाली बात कह रहे और अब उस शरीर का ही विस्तार हो गया, आपका कपड़ा लत्ता मकान जो भी संपत्ति आपके वो अभी हो गया, अभी जो मोह और मच्छर और जिन कठिनाइयों की बात सब कर रहे थे वो सब शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में जिनको वो उपाधियां कहते हैं, तो ये सारी उपाधियां हैं जिनके साथ जुड़ करके आप उसे ही अपना स्वरूप मान लेते। तो यही मूल रूप से एक प्रकार की अविद्या भी है कि यह बोध न होना कि हम क्या है। तो स्वास्थ्य की जो समस्या है, अपने में स्थित होने की जो समस्या है, वो अपने आप को पहचानने का संकट है कि हमारा अस्तित्व जो है वह क्या है। शरीर की त्वचा की जो सीमा है वहीं तक सीमित है या उससे परे, या तो बार बार आसानी से अनुभव में आता है कि यह त्वचा यह शरीर मात्र उसकी सीमा नहीं, कुछ और है जो घटित होता रहता है और नाना प्रकार के कार्य हम करते रहते हैं, नाना प्रकार की भूमिकाओं को हम निभाते हैं। हमारी तमाम सारी उपलब्धियां होती हैं जो आत्म के स्वरूप की जो भी छवि हमको मिलती है वह इस शरीर से अतिरिक्त और व्यापक अस्तित्व की ओर संकेत करती है। तो एक आधार की प्रतिज्ञा यह है, यह संकल्प है कि हम जो है यह शरीर मात्र हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की है, पूरा का पूरा आयुर्वेद आप लीजिए तो उसका जो आधार है, क्योंकि तो आयुर्वेद स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है, सुखायु और हितायु की बात होती है, अच्छा जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, जीवे में शरदा शतम प्रभा में शरदा शतम अधीना श्याम शरदा शतम। तो ये जो एक लंबी अवधि तक सक्रियता पूर्वक जीव हो करके कैसे हम जिए, ये एक भावना, यह जो एक उत्साह मन में रख करके चलने की बात है, वहां पर हमारे दो दायित्व हैं। एक है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर जो है वह एक उपकरण है और इस शरीर का उपयोग कैसे किया जाए और ठीक से उपयोग कैसे किया जाए, इसमें हम अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे कर पाते, यह समझना पूरे स्वास्थ्य का रहस्य शायद इसी में है। मैं आयुर्वेद की बात कर रहा था तो
वहां मूल आधार तो वही है, पंच महाभूत ही है, और उन्हीं का जो है ये जो धातुए हैं जिनको कफ वायु और पित्त के रूप में, वही महाभूत ही है वहां पर। और आप देखिए तो एक अग्नि तत्व है, एक वायु तत्व है। तो अब ये लेकर के सारा का सारा विधान जो है वो आयुर्वेद का वहां पर है। तो शरीर का स्वरूप जो है, जो उसका भौतिक स्वरूप है, जो फिजिकल फॉर्म है, उसकी जो फिजिकैलिटी है, उसका जो वस्तु रूप है, वह उन्हीं तत्वों से निर्मित है, उन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित है, ये बाह्य जगत निर्मित है। और इसीलिए बाह्य जगत और इस शरीर के बीच में संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया ऋतु साथ में होना चाहिए, वो भी दिनचर्या की बात की जाती है, चार की या व्यवहार की या आचार की जो भी बात की जाती है, उन सब में जो महत्व इस बात पर दिया जाता है, बल दिया जाता है, वह यही है कि यह साम्य या संतुलन कैसे बनाया जाए। कई अर्थों में और कई जगह इस तरह का उल्लेख है कि भाई दान भी प्रकृति के जो तीन गुण है उन्हीं के अनुरूप होता है। शरीर में जो भोजन आप करते हो वो भी सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, उन्हीं की संयुक्ति है नाना प्रकार की। तो प्रकृति में जो कुछ घटित तो होता है, और शरीर जो हमारा है वह भी प्रकृति का ही अंग है। और वैसे भी आयुर्वेद में कहा जाता है कि हर शरीर की अपनी प्रकृति है, कोई बात प्रकृति का है, कोई कफ प्रवृत्ति का प्रकृति का, उसकी प्रकृति का अर्थ वहां पर ये उसका स्वरूप, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी संरचना जो है वो किस किस तरह की है, ये भिन्नता पाई जाती है। और जो रोग का निदान होता है और जो औषधियां हैं, उन सबका जो उद्देश्य है वह यही है कैसे इनके बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। देखिए यह संतुलन स्थापित करने का जो विचार है बड़ा सुंदर है और बड़ा आवश्यक है, और यह एक पैराडाइम है, एक सोचने की पूरी परिकल्पना है कि यह संतुलन जीव जगत में कैसे स्थापित होता है। पृथ्वी और सूर्य, इसके बीच में भी एक संतुलन है, पूरी धरती जो है वो घूम रही है, वो भी एक संतुलन बना हुआ है। आप हर स्तर पर पाएंगे कि कहीं ना कहीं संतुलन है, संतुलन है तभी ये दुनिया चल रही है। और जीवन में भी संतुलन अगर बना हुआ है तो काम चल रहा है, जब ये संतुलन बिगड़ता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो यह संतुलन, यह साम्यावस्था, ये सब कैसे आएगी? योग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, योग का अर्थ है जुड़ना, और योग का परिणाम जो है वो हुआ युक्त। तो योगी जो है वो युक्त है, गीता में बार बार यह शब्द आया है युक्त होना। तो युक्ताहार विहार वाला जो है वो तो ठीक से रहेगा, और युक्ताहार विहार वाला जो नहीं है वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो संतुलन की, साम्यावस्था की जो बात कही गई, या मनुष्य के लिए जो आदर्श आचरण की बात है, जिसका कैप्सूल कह लीजिए, सूक्ष्म शास्त्र जो है वो स्थित प्रज्ञ का है, उसको अगर आप पढ़िए तो वहां भी युक्त की ही बात है कि भैया देखो, हर्ष हो, शोक हो, अच्छा हो, बुरा हो, उन सब में कैसे आप साम्यावस्था, सबसे बराबर की दूरी आप कैसे बना। ये लड़ाई ही उन सबकी रही है जिन चारों का चित्र दिखाया गया, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, कि कैसे यह संतुलन बनाया जाए। और सभी लोगों ने एक स्वर से आशुतोष जी से मोह का नाम लिया, तो मोह का अर्थ हुआ उपाधियों का, जो वस्तुएं हैं, आप वस्तु नहीं हो, वस्तुओं को जोड़ते जाओगे, उनका संपर्क करोगे और अपने को वही अगर मानोगे झंझट में पड़ोगे,
स्वास्थ्य जो है वो उत्पन्न होगा। भोजन में आपकी रुचि उतनी ही होनी चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक है, वह भी जो ऋतु के अनुकूल हो। अब उसके विपरीत भोजन अगर आप करेंगे या दो प्रकार का उल्टा सीधा भोजन करेंगे तो अपच हो जाएगा, या जो भी परिणाम होगा आपकी स्वास्थ्य पर जो है आँच आएगी, कठिनाई पैदा हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगे, दोष जो है वो बात भी कब कहाँ गड़बड़ हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो चारों ओर बात फैली हुई है वह संतुलन की है, साम्यावस्था की है, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए इसी की तलाश जो है पूरा आयुर्वेद भी करता है। जो कम है वह तत्व दे दो, जो ज्यादा है उस तत्व को बाहर निकालो, चाहे बमन कराओ, जो भी प्रक्रियाएं आयुर्वेद में की जाती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप वही पाएंगे कि वहां वह संतुलन स्थापित करने का ही कार्य जो है वह किया जा रहा है। वह संतुलन आंतरिक तत्वों का भी है और शरीर जहाँ जिस परिवेश पर्यावरण परिस्थिति में है वहां पर उसका संतुलन भी स्थापित किया जाता है। तो यह संतुलन जो है वह कैसे स्थापित हुआ, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा इसी प्रकार से कि आप संतुलन स्थापित किया जाए। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा जबरदस्त विचार है संतुलन का, बैलेंसिंग का, युक्त होने का। जब यह संतुलन का विचार उपस्थित होता है तो हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने, अपने आप में स्थित होने, अपना बोध होने, इसका अर्थ जो है वह एकांगी नहीं कि सब कुछ आप मय हो जाए, वो तो स्थिति नहीं है। वहां पर यह संतुलन बनाना जो है बड़ा आवश्यक। आप आचार व्यवहार में संतुलन, अब कोई आपसे ज्येष्ठ है या कनिष्ठ है उसके साथ किस प्रकार आपका व्यवहार होना चाहिए वहां भी संतुलन की आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं संतुलन को आप विचार करेंगे तो धर्म से भी जुड़ जाता है, आचार के नियमों से भी जुड़ जाता है। तो ये जो संतुलन की चेतना है, यह चेतना कैसे प्राप्त हो, शास्त्र ज्ञान से प्राप्त हो या आचार के लिए आप सीखें, आप यम और नियम का पालन करें। अब यम और नियम के बारे में तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि यह तो भाई पूरी तरह से महाव्रत है, जाति धर्म देश काल सबसे परे सबको इनका पालन करना है। तो पूरा जो योग शास्त्र है वह यह कहता है कि ये महाव्रत है, ये जो यम और नियम है इनका पालन तो करना ही करना है, हर परिस्थिति में इनका इनमें कोई छूट नहीं है। आप ये सब भी संतुलन की बात करते हैं। और ये संतुलन का जो पैराडाइम है या पैराडाइम शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर कैसे लागू किया जाए यह हमारी समस्या है। अपने आचरण में, भोजन में, व्यवहार में, बातचीत में, कहीं भी आप देखें तो ये चारों ओर फैला हुआ है, बड़ा सर्वत्र इसकी उपस्थिति आपको दिखाई पड़ती है। और इसी से संतुलन जो है वह हो पाएगा। अगर नहीं संतुलन होता है तो व्यवधान आता है, वहां पर कहीं ना कहीं बाधा आती है और हम संकट ग्रस्त हो जाते तो पहचान यही रोग की जाती है कि संतुलन कहाँ बिगड़ा है, बात का कि कफ का कि पित्त का, किसका संतुलन। और पूरे आयुर्वेद में तो इसकी बड़ी विस्तृत जो है वह व्याख्या हुई है और हर स्तर पर इसका विचार किया गया है। जब प्रकृति की बात करते हैं तो मानसिक प्रकृति के स्तर पर तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी व्यवस्था की बात की गई है। व्यक्तित्व को पहचानने के लिए भी इन्हीं का आधार लिया जाता है। तो और बात पित्त कफ जो है धातु के स्तर पर जब विचार करते हैं तो वहां पर इनका आता है। और इन सब का संतुलन कैसे स्थापित किया तो बड़ी यह वैशिष्ट्य वाली बात है
शरीर भौतिक है, भौतिक नियम इसके ऊपर लागू होते हैं, लेकिन आपको शरीर मात्र को ही अपनी सत्ता के रूप में नहीं स्वीकार करना है, आप इससे परे हैं। और उसके आधार पर जब आप निश्चय करेंगे तभी बात बन पाएगी। हमारे सामने कठोपनिषद का पूरा नचिकेता का प्रसंग है, जो हमारे सामने इस बात को रखता है कि यह जो भौतिक उपलब्धियां हैं, समृद्धि है, वह तो कितनी व्यर्थ और जो उच्च स्तर की बात है, चेतना की बात है, ईश्वर की बात है, परमात्मा की बात है, उसका जो स्वरूप है वह अड़ोरड़ियन महतो महीयन, वह तो नेत नेत वाला है। उसका अर्थ लगाना है तो वह क्या क्या नहीं है यह गिनाते नहीं है, क्या है, क्योंकि वह या तो सबको आच्छादित किए हुए ईशावास्यमिदं सर्वम्, उसके उससे बचा हुआ कुछ है ही नहीं है। जो उसको पहचान रहा है वह भी उसमें शामिल है, जिसको पहचान रहा है वह भी उसमें। बड़ी विचित्र स्थिति वह, अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको यह भाव ले आना पड़ेगा। और यह चैतन्य के हम अंग हैं, यह आपको प्रफुल्लित करता है, आपको चेतना प्रदान करता है। और बड़ी अच्छी बात आशुतोष जी ने कही कि हमारा जो स्वभाव है उसमें स्वास्थ्य जो है वह उपस्थित है। जो लोग सच्चित आनंद का व्याख्या करते हुए हमारे सामने बताते हैं, भाई वह सत भी है, चित भी है और आनंद भी। मगर इस स्वरूप को न पहचानना और न पहचान करके जो यह नहीं है उसको अपना स्वरूप पहचानना, यह अस्वास्थ्य का कारण, यह रोग का कारण है, यह आदि और व्याधि का कारण। हमारे आशुतोष जी ने जो सारी बातें कह दी थी, अब उन्होंने केवल नाम लिया था, लेकिन आप यदि देखें तो व्याधि ध्यान संशय प्रमादा लस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वा नवस्तित्व तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अर्थात अकर्मण्यता, अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाना, ये संशय हुआ, या प्रमाद हुआ, तमोगुण की अधिकता के कारण आलस्य हुआ, या अविरति हो जाए, भ्रांति दर्शन हो जाए, अलब्ध भूमिकत्व, तमाम सारी चीजें हैं, या अनवस्थित तत्व, ये सारी जो बातें कही गई वो ये जो चित्त विक्षेप है ये सब विघ्न है, तो अंतःकरण में बाधा इन सबके द्वारा घटित हो। तो इन सबको आप अगर डीकोड करेंगे, खोल करके देखेंगे, तो यही मिलेगा कि ये सब कहीं ना कहीं हमारे आचरण से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जो है और भी विघ्नों का उल्लेख किया है, दुख है, दौर्मनस्य है, अंग में जयत्व है, श्वास प्रश्वास, ये सारे ये भी चित्त में ही घटित होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन अंतःकरण के लिए बाधा, उसके अस्वास्थ्य के कारण है। अब अगर योग का ही अनुसरण किया जाए, बताइए ना, मैं भी यही सोच रहा था चर्चा करने के लिए, और यहाँ तो आशुतोष जी पहले ही पहुंचे हुए थे, तो इसका जो उपाय बताया वो यही है, उनके दूर करने के लिए कि एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। और फिर यह भी कहा, वह भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक
है महर्षि पतंजलि का, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना भावनातः चित्त प्रसादनम। तो चित्त का प्रसादन कैसे होगा, अंतःकरण का प्रसादन कैसे होगा, तो जब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इनका जो है हम लाभ उठाएंगे। कैसे यह करेंगे, तो इससे चित्त प्रसन्न होगा, चित्त स्वच्छ होगा, कठिनाइयां जो है वो दूर होंगी। आगे यह भी कह रहे हैं, प्रच्छर्दन विधारण अभ्याम वा प्राणस्य। मैं योगी नहीं हूं, जो पढ़ रहा हूं, जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक और तो ये भावना के स्तर पर कहा कि आप ये परिवर्तन ले आइए, कैसे इनका अभ्यास करिए, और दूसरा है चित्त शुद्धि का उपाय कि आप प्राणों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, उसे शरीर की नाड़ियों का मल जो है वह नष्ट होता है। एक और उपाय बताते हैं, विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। मन की स्थिति को बांधने वाली प्रवृत्ति जो है वह अभ्यास करते करते पैदा होती है, उसका नाम उन्होंने दिया है विषयवती, विषयवती प्रवृत्ति। अब विषय तो जो वस्तुएं हैं उनका नाम है, लेकिन यहां पर है दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति। और भी बड़ा सुंदर है, विशोका वा ज्योतिषमती, शोक रहित विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी मन की स्थिति को शुद्ध करती है। वीतराग हो जाए, वीतराग विषयम वा चित्तम। अब ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी प्रवृत्तियां हैं जो चित्त को, अंतःकरण को परिमार्जित परिष्कृत करके जो स्वास्थ्य की ओर वह जा रही हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य की दिशा में, स्वस्थ की दिशा में ले आया जाए। तो अंतःकरण को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके ये सारे उपाय हैं। वह भावना के स्तर पर है, प्राण के स्तर पर है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं जो कहा गया है, जो आपके अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, वहां पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, वहां पर आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य स्वस्थ स्वरूप अगर आपका, आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है, तो वह अपने आप ही मौजूद रहेगा। इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा, चित्त के स्तर पर करना पड़ेगा, शरीर के स्तर पर करना पड़ेगा। ये एक सर्वांगीण, एक तरह का अटैक करिए, आप इसके ऊपर आक्रमण करिए, तरह तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ हमारा ये है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर माध्यम है, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी स्वस्थ नहीं। शरीर का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य पर, और मन का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य, दोनों चीजें जो है वह जुड़ी हुई है, परस्पर संबंधित है। ये मन और शरीर अलग अलग नहीं है, अलग अलग इस अर्थ में है कि आप मान रहे हैं कि मन जो है वह अभौतिक है, लेकिन जो अभौतिक है वह भी भौतिक को प्रभावित करता है। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ करके विचार आपके मन में आया योग करें, तो यह जो विचार आया और योग करने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसका मूल स्रोत तो अभौतिक है, लेकिन भौतिक आपने आसन शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, ध्यान शुरू किया। अब इसका स्वरूप भौतिक है या अभौतिक है या दोनों प्रकार का है, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
कुछ लोग इसे प्योरली शुद्ध रूप से भौतिक कहेंगे, कुछ लोग इसे अभौतिक कहेंगे। मुझे लगता है कि यह भेद नहीं है, यह एक एक समुच्चय है जिसमें शरीर मन आत्मा तीनों जुड़े हुए हैं। आप एक को हटा दीजिए बेकार हो जाएगा, आत्मा न हो तो शरीर कहां से चलेगा। आत्मामुक्त तो शरीर देही हुआ है, एक जगह नहीं है, सर्वत्र है वो। यह देह जो है वो उसका आधान है, मंदिर है, उसमें वो निवास करता है। तो वह सर्वत्र मौजूद है, किसी एक अंग में नहीं है, और इनको संचालित करने वाला है, निर्देशित करने वाला है। हम सब लोग आत्मानम रथिनम विद्धि से परिचित हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह रूप हमारे स्वास्थ्य की चिंता चर्चा के लिए भी आवश्यक है, इन तीनों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। कि इंद्रिय का संपर्क जो विषय से हो रहा है, बुद्धि मन और आत्मा, इन इन सबका जो समवेत स्वरूप, किसी एक को पकड़ करके कि आत्मा ठीक हो गई सब ठीक हो जाएगा, ये काम नहीं चलेगा। वह कहीं न कहीं इनका ये यह एक इंक्लूसिव पैराडाइम है ये, जिसमें सबके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि केवल एक पर ध्यान देने से आपका काम था। मन में आपका विचार आता है कि योग बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन यदि आसन आप नहीं करते हैं, उसके अनुसार परिवर्तन नहीं ले आते हैं, आप कार्य नहीं करते हैं, मैत्री करुणा उपेक्षा का व्यवहार में आचरण में उसे नहीं ले आ पाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लिखा हुआ है ठीक है, पढ़ लिया आपने, आंखों को दिखाई पड़ गया, लेकिन जब तक उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसका अनुवाद जब तक व्यवहार में नहीं हुआ, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो मैं समझता हूं यह बड़ा आवश्यक है कि हम किसी एकांगी पक्ष पर हम विचार न करें। ये समग्र है जो चिंता करने की आवश्यकता है। आत्मा भी है, मन भी है, शरीर भी है, हमको इन तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य का जो रहस्य है, आरोग्य का जो रहस्य है, वह इसी प्रकार का है। और मैं समझता हूं जो योग शास्त्र है वह पूरा का पूरा आरोग्य शास्त्र है, और वह हमारे लिए, और योगेश्वर कृष्ण को कहा जाता है, और कृष्ण भगवान ने जितना उपदेश दिया, जितने हर अध्याय ही तो उनका योग कहा जाता है, ये विषाद योग से शुरू होता है, हर तरह के योग, हर अध्याय का नाम ही, और कहते हैं कि वो मोक्ष शास्त्र है। अब उस मोक्ष शास्त्र में शरीर के लिए भी चिंता है, मन के लिए भी चिंता है, आत्मा के लिए भी चिंता है। मैं समझता हूं कि हमको अपना पैराडाइम इंक्लूसिव रखना पड़ेगा, विस्तृत रखना पड़ेगा, और संतुलन और समग्रता, ये दो उसके केंद्रीय पक्ष हैं। हम शरीर मात्र नहीं है, हम शरीर ही नहीं है, यह व्यापकता ले आनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो उसके परिवेश में या उसकी परिधि में कहिए, वो आत्मा भी है, मन भी है, और बुद्धि भी है, शरीर भी, इन सबका उसमें उपयोग है। तो अंतःकरण का स्वास्थ्य जो है, अगर योग शास्त्र को महर्षि पतंजलि के इन विचारों पर ध्यान, ये सारे के सारे जो उपाय उन्होंने गिनाए, ये सारे के सारे उपाय जो हैं वो, और फिर आगे तो हुआ वही बताते हैं कि भाई ये जो भिन्न भिन्न नियम नियम ये सब के सब जो है वो, उनका पालन करो। तो ये एक टोटल पैराडाइम है, एक समग्र का की प्रकल्पना है, जहां पर हमको हर स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता।
मुझे नहीं समझ में आता कि केवल एक अंश को लेकर के ही हम समाधान कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आप किस तरह का आहार ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह का विहार आपका है, किस तरह आचार आपका है, इन सब से आप असत्यवादी बने रहे, हिंसक बने रहे, परिग्रह भी खूब करें, खूब संकलन करें और फिर कहें कि नहीं हम तो ठीक रहेंगे, ये तो नहीं संभव होगा। ये कहीं पर झंझट है हमारे जीवन में, यही है कि हम सब लोग इसी प्रकार के हो चुके हैं कि वाणी के स्तर पर, लेखन के स्तर पर, बातचीत के स्तर पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, व्यवहार के स्तर पर हम बिल्कुल बदल जाते हैं, वहां पर केवल स्वार्थ ही हमारा एक आधार रहता है। बोली के स्तर पर हमसे बड़ा कोई निस्वार्थ नहीं दिखाई देता, और व्यवहार के स्तर पर तो ये जो वैपरीत्य है, या जो असंतुलन है, या जो अंतर विरोध है, वह अस्वस्थ होने का कारण है। आप अनुभव करिए मन में वह क्षण जब आपने किसी से जानबूझकर के झूठ बोला और उसके बाद इतना वो सताता रहता है और रात में नींद नहीं आती, उस झूठ की रक्षा के लिए कितने और झूठ आप बोलते हैं और पूरी झूठ की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। और आपने अगर सत्य बोल दिया तो उतनी सारी जो उसके ऊपर महल जो झूठ का खड़ा होता है, उस भार को ढोने से आप मुक्त रहते। आप ये अलग करें कि ये तो शरीर के स्तर पर एक प्रकार की बात है, आत्मा के स्तर पर दूसरे प्रकार की, इनके बीच तारतम्य कहिए, सामंजस्य कहिए, निकटता कहिए, एक सूत्रता कहिए, संतुलन कहिए, तो कहीं ना कहीं ये हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारी सत्ता व्यापक है, साम्य की स्थिति ले आनी पड़ेगी और आचरण जो है वो शरीर के स्तर पर और मन के, कायिक मानसिक वाचिक तीनों जो हमारे आचरण है उसमें कहीं हमारा संबंध जो है वह एक प्रकार का होना चाहिए। एक और बात जो आवश्यक है, जिसका उल्लेख तमाम तरह से किया गया है कि चाहे पूर्व जन्म के संस्कार कह लीजिए या इसमें जो कुछ आप कर रहे हैं, वह वहां जिस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन सब के कारण जो संस्कार बन रहे हैं, उनके कारण एक प्रवृत्ति जो है वह बनती है, चित्त में ये संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, फिर आपको वो एक दिशा में ले जाते हैं। तो परिवर्तन अगर करना है तो हमको संस्कारों की जो बनावट है, जो गुनावट है, वहां पर कहीं अटैक करना पड़ेगा, कहीं आक्रमण करना पड़ेगा, वो परिस्थिति कहीं पर बदलनी पड़ेगी। हमारे एक मित्र है, शिक्षा के विचारक है, उनका कहना है कि अगर शिक्षा से परीक्षा को निकाल दिया जाए और लड़का जो है जब आके कहे कि हमारी परीक्षा ले लीजिए, उसकी परीक्षा ले लीजिए, जब उसको समझ में आए परीक्षा कोई भार नहीं है, या प्रवेश के लिए परीक्षा हो, या आप कहते हैं कि हमको इतना ज्ञान है तो ठीक है आइए परीक्षा दे लीजिए आप, तो अगली परीक्षा अगले स्तर में प्रवेश के लिए उपयुक्त आप अपने को समझते हैं, आप दे लीजिए परीक्षा। ये परीक्षा जो है अब जब परीक्षा की में 5 प्रश्न आते हैं, उन 5 का आप उत्तर दो, तो ये जो स्वातंत्र जो है कम हुआ है, हमारा मन इसी तरह से अनुबंधित हो गया है, तो यह जो स्वातंत्र, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया, मैंने कहा ना कि जो परिस्थितियां आपने की उनसे संस्कार पैदा हुआ, आप उसी तरह का आचरण करने लगे, आपके मन का निर्माण उसी प्रकार का हुआ,
और फिर मैत्री करुणा मुक्ता उपेक्षा सब खत्म हो गया, चित्त शुद्ध करने की बात ही खत्म हो गई। तो इस परिवेश को भी बदलने की आवश्यकता है, कठिन काम है। घर में, विद्यालय में, समाज में यह परिवेश, यह चैतन्य कैसे ले आया जाए, मैं समझता हूँ यह एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य को आप व्यापक दृष्टि में अगर रखें तो समाज का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य वह भी महत्वपूर्ण है। लोक के कल्याण की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व जो है वह लोक कल्याण की बात है। तो उसके लिए हमको जो व्यापकता चाहिए वह हमारे निजी स्वार्थ वाले स्व से कहीं ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब उसको शरीर में केंद्रित करेंगे, शरीर की उपाधियों पर केंद्रित करेंगे, एकदम यह मैं हूं और यह जो कुछ है वह मेरा है, इसी में उलझे अगर रहे तो इस मिथ्या भाव के कारण हर आदमी मरने के बाद क्या ले जाता है साथ? कुछ नहीं ले जाता। तो यह सत्य जो है जान करके भी हम, तो यक्ष प्रश्न है वो तो यही, तो यह यक्ष प्रश्न तो है जिसका उत्तर हमको देना पड़ेगा। ये हमारी शिक्षा में, हमारे अनुभव में, हमारे अपने स्वरूप की जो समझ है वह अगर ठीक हो तभी स्वास्थ्य जो है उसका स्थान वही हम दे पाएंगे जैसी परिकल्पना आशुतोष जी की। मैं समझता हूँ वह एक व्यापक परिकल्पना है जिसमें एक विशेष तरह के व्यापक अस्तित्व बोध, और उस अस्तित्व बोध को हम अपने आचरण में कैसे ले आए इसके लिए तो योग ही करना पड़ेगा। योग व्यापक अर्थ, क्योंकि पूरी अष्टांग क्रिया, तो यह अपने ऊपर अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया। आप ही अपने सबसे बड़े बंधु हो, आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी, रिपु भी हो और मित्र भी। तो ये जो खोज है आत्म की, जो हमको विस्तृत भी करता, शरीर का विरोध या कह लीजिए कि उसको खत्म करने की बात नहीं है, लेकिन शरीर से व्यापक अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है। और स्वास्थ्य तभी होगा जब हम अपने को उस व्यापक अस्तित्व के अंश के रूप में स्थापित करें। और देखिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि महर्षि अरविंद जो है वो यह कहते हैं कि विकास जो है खत्म थोड़ी हो गया, आपका विकास चैतन्य का विकास अभी आगे हो रहा है। तो आपके चैतन्य का जो विकास है वहां भी यही अर्थ है कि आप कैसे खुलते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे उसका आत्म का आपका जो सीमित अर्थ है का विस्तार। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के लिए हमको इसी दिशा में कार्य करना पड़ेगा। हम यहीं पर विराम लेते हैं, समय काफी हो गया और आपसे अनुरोध है कि आप इच्छा है या टिप्पणी है। धन्यवाद सर। हर बार की तरह वाणी मात्र से ही मैं आपका आभार व्यक्त कर सकता हूँ, अपने आपके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो व्यक्त करता हूँ। बहुत व्यापक रूप से आपने हमारे सामने एक प्रारूप प्रस्तुत किया है मानसिक स्वास्थ्य का, और ये अपेक्षित भी था कि योग दर्शन को हम किस रूप में प्रस्तुत करें। बल्कि मुझे आपके इस सारे वक्तव्य से दो तीन बातें और मेरे सामने उभर कर आई हैं जो हम अभी छू नहीं पाए हैं, लेकिन अगर उनका स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन यदि कोई प्रश्न होंगे तो शायद आप उस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, और संभव हो तो एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आप अवश्य करें, क्योंकि इस योग का जो स्वरूप हमें बौद्ध और जैनों में देखने को मिलता है
उसका पक्ष भी मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रयोग किए हैं आकाश आयतन ध्यान और इस तरह की कई, बल्कि एक टर्म जो है वो मेरे से प्रयोग होने में रह गई, वो थी कि सम्यक्ता बौद्धों। हाँ, मुझे लगता है ये इस शब्द पे जरूर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा। मैं उस समय को युक्त के ही आसपास चलता हुआ पाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब वो सम्यक शब्द को हम सोशल साइंसेस में या बाकी जगह पर हम प्रयोग में नहीं ला रहे या अपने रोजमर्रा के व्यवहार में नहीं ला रहे, और बहुत युक्ति संगत वो शब्द है। हमको लगता है कि युक्त युक्त जो है वो ज्यादा उपयुक्त है आज के माहौल। जी 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 ठीक है। योग का परिणाम युक्त होना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये सूत्र आपने आज का बल्कि दे दिया है, योग जो है वो युक्त चित्त का वो परिभाषित करता है, युक्त चित्तता जो है वो योग को परिभाषित करता है। जी जी बहुत खूबसूरत सूत्र आपने ये मुझे उपलब्ध कराया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, यदि किसी की कोई टिप्पणी है और यदि कोई अपनी संशय है, कोई अपनी चर्चा अपनी असहमति भी अगर व्यक्त करना चाहते हैं। बौद्ध और जैन विचार जो है वह भी कहीं ना कहीं मोह की जो आसक्ति की है उससे पार कैसे पाया जाए, यही उनकी चिंता है। जी और जी वहां भी वही है कि जो कामनाएं हैं इच्छाएं हैं वह वही जड़ हैं। जी और धम्म पद मैं पढ़ रहा था तो उसमें चित्तवग्ग पूरा एक है और जी उस चित्तवग्ग में पूरा का पूरा यही दिया हुआ है कि जी जैसा मन होता है उसी तरह का फिर व्यवहार हो है। तो वहां पर सब कुछ गड़बड़ी मन में कैसे उसे शुद्ध किया जाए तो फिर जी और सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, उस पे तो मैं एक क्वेश्चनियर डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चनियर साथ चल रहा था काम मेरा तो, लेकिन उस पे भी क्वेश्चनियर एक बना करके वो जरूर शेयर करूंगा। और परीक्षा ध्यान और विपासना उन सब में अभ्यास उसका यही है कि आप कैसे एक तरह से कह लीजिए कि आज के अर्थों में मन को कैसे मारिए, बिल्कुल कैसे बिल्कुल उसको उन इच्छाओं को काटिए कैसे। जी। बल्कि डॉक्टर साहब एक मेरा बल्कि जिज्ञासा है कि ये सारी बातों को हम दो कॉन्सेप्ट्स के संदर्भ में अगर थोड़ा सा लागू करने का प्रयास करें, क्योंकि आधुनिकता का संदर्भ है और आधुनिकता में हम सारे जी रहे हैं और हम मानते भी अपने को आधुनिक हैं। आधुनिकता को परिभाषित करने वाली दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक तो है प्राचीन मूल्यों में अविश्वास और दूसरा है आत्मा भी आत्म पहचान की जो तड़प है। ये दो चीजें जो है एक मेंटल जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो स्थिर नहीं होने दे रही। और इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष और है, उस पर भी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि हमारा सारा व्यवहार दो चीजों से आजकल नियंत्रित हो रहा है, एक तो भोग की अवधारणा से और एक है प्रभुता, कि अपने लिए अधिक से अधिकतम संग्रह करते हुए हम एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करें। ये भी मुझे लगता है कि अब वो आत्मसंतुष्टि तो शायद संभव कभी हो ना, लेकिन हम उसको मान जरूर रहे हैं कि शायद, क्योंकि सारे का सारा उद्योग और बिजनेस जो है वो इसी चीज के ऊपर है। और दूसरा जो इसमें अवधारणा है वो है प्रभुता की, कि मैंने अपने पास साधन इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं दूसरे को ईर्ष्या का भाव देता हूँ कि तुम भी इस तरह के साधन और सुविधाएं अपने लिए इकट्ठी करो, तो एक तरह की उत्तेजना में मैं सबको डाल रहा हूँ। तो इस व्यापक स्तर पे जो ये चल रहा है भोग और प्रभुता के द्वारा हमारा टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर जो डिसाइड हो रहा है चल रहा है, उसको काउंटर करने में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको हम इस भारतीय पद्धति से कैसे काउंटर कर पाएंगे? दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि हम सब लोगों के मन में एक विचित्र सा भाव भर दिया गया है,
प्राचीन कहिए भारतीय कहिए, अपने आप में वह अनावश्यक और अप्रासंगिक और आधुनिक दृष्टि से व्यर्थ मान लिया गया है, खारिज कर दिया जाता है उसे। जी मैं समझता हूँ इस भ्रम को तोड़ना जो है वो आवश्यक है कि यह दकियानूसी विचार नहीं। और मैं समझता हूं कि ये मानवता की अपेक्षा है और आधुनिक अपेक्षा है, आज की अपेक्षा है, वो जिन मूल्यों की बात है। तो प्राचीन आप छोड़िए, कहिए कि मनुष्यता की जरूरत है, आज जो है वही प्लीज आप मैडम शशि सिंह जी, प्लीज आप शेयर भी ना स्क्रीन शेयर ना करें और माइक भी कृपया ऑफ करें जी। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं बिल्कुल संदर्भ एकदम ताजा, जो हम लोगों का ये कोविड का अनुभव हो रहा है, इस महामारी में प्रभुता और भोग दोनों की कमी का एहसास अधिकांश लोगों को हुआ है। सबकी प्रभुता खत्म हो गई है और भोग पर भी नियंत्रण जरूरी हो गया है। बहुत खूब, बहुत ये सुंदर यह प्रमाण हमारे सामने है जी, बिल्कुल, और बहुत बहुत युक्ति संगत, बहुत युक्ति मेरी संगत बात जानकारी ज्यादा नहीं है, जी। लेकिन भोग कम होने के कारण ज्यादातर लोग स्वस्थ हैं। जी आप डॉक्टरों से बात करिए कि किस तरह के रोगी उनके कहाँ जा रहे हैं रोगी। अपने को इतनी चेतना आ गई है कि उतना ही खाओ जितने में ठीक से रह सकते हो। जी कोई कोई अब इतना भोग करना नहीं चाहता कि बीमार पड़े, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं है कि वह बीमार पड़े। जी बहुत युक्ति क्योंकि संगत आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि सब लोग जी यह कोशिश कर रहे हैं जानबूझ करके कि भैया घर से बाहर न निकलना पड़े, जी डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े। वो आप ये जा मतलब आप अपने अपनी मॉनिटरिंग आप खुद कर रहे हैं। जी ये योग का ही एक पक्ष है कि जी आप स्वयं देखभाल कर रहे हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। थोड़ा कम खा लो लेकिन ज्यादा मत खाओ। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये सारे जो मूल्य हैं वो मूल्य जो है सार्वकालिक सचमुच, उनको उनको हमको प्राचीन कहना छोड़ना पड़ेगा। हमको कहना जी पड़ेगा कि मानवता के मनुष्यता के लिए आवश्यक है। हम जी लोग की भाषा जो है वह इस प्रकार की होनी चाहिए और सही यह बिल्कुल वास्तविकता है। बिल्कुल ठीक आप है महर्षि पतंजलि ने अगर पतंजलि जी ने अगर यह कहा कि ये महाभ्रत हैं और अक्षरशः यह लिखा है कि ये देश काल सार्वभौम। जात इन सबसे मुक्त है, सार्वभौम है, हाँ ये जी बहुत हाँ बड़ा बहुत बड़ी बात है ये, और जी आज यह प्रमाणित हो रहा है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये प्राचीनता वाला जो उसके ऊपर तमगा है हाँ वो हटा जी दिया जाए, लेबल जो है वो हटा दिया जाए, और जी भोग और प्रभुता ये तो दोनों जो है खंडित हो गया। यह जो है किसी का भोग नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी और वाकई मेरा ध्यान नहीं गया था इस पक्ष की ओर। वाकई ये हुआ है कि कोरोना ने सबके घुटने टिकवा दिए और जो है वो संयमित जीवन की ओर हाँ, ले आया है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी संयम जो है, अब संयम स्वयं आप योग शास्त्र में देखिए संयम कितना बड़ा शब्द है, पूरा बिल्कुल का पूरा सारे जी उसमें आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यह एक पैराडाइम शिफ्ट जो है, योग जो है वह जीवन का आज की अवस्था में या हमेशा के लिए वह उपयोगी है। जब बहुत सारे छूट मिली हुई थी तो आप उस पर नहीं ध्यान देते थे, जी सर तो अब तो आपको करना पड़ेगा। जी,
तो यदि किसी प्रतिभागी के कोई संशय है, कोई टिप्पणी है या कोई बात, इसमें कोई सूचना और भी ऐड अप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, और आप लोगों की सूचना के लिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन वाला लिंक शेयर कर दिया गया था, तो आप लोग उसको आराम से तसल्ली से भर लीजिए, बस गलत मत भरिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है कि वो सर्टिफिकेट्स पोस्ट करने में, तो जरा सी भी गलती होती है तो वो फिर जाता नहीं है और बाद में फिर उसको सिस्टम को ठीक करना मुश्किल होता है। तो यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो स्वागत है, नहीं तो हम मैं एक दो सूचनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैडम अनीता जैन जी का डॉक्टर साहब प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के अलावा और किन शास्त्रों को आप प्रायोगिक उपयोग का मानते हैं? मैं समझता हूँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बौद्ध और जैन परंपरा के जो विचार हैं और जो पद्धतियां हैं, जी महापरिनिर्वाण की पुस्तकें हैं, शिक्षा ध्यान के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जी अब उपलब्ध हैं। उपासना के ऊपर भी बहुत सारे सामग्री उपलब्ध है, और इसी प्रकार महर्षि अरविंदो को अगर आप लें, उनके कार्य है। मैं समझता हूँ कि इन परंपराओं को, और कई लोग अपने अपने ढंग से इनका विकास किए हैं, इन्हीं पर अधिक बल किन्हीं और बातों पर दिया गया है। श्री श्री हाँ रविशंकर का आप आर्ट जी ऑफ लिविंग आप देखें तो उसमें भी इन तत्वों के ऊपर विचार किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं कि कौन डॉक्टर सा उपाय जो है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा क्वेश्चनियर शेयर करूं, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि उसको मैं साझा करूंगा, लेकिन क्योंकि ये मैडम अनीता जैन जी ने प्रश्न किया और आप भी इसी पक्ष पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चक्र के हिसाब से एक आपके साथ केवल दिखाने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको करने की एक एक आवश्यकता और एक और सूचना हम देना चाहते हैं जी। जो सबके लिए बड़ी रुचिकर होगी और आशुतोष जी आपके लिए भी। जी सर, इंडिका योगा करके एक हाँ जी एक आप डालिएगा तो बहुत सारी इस पर एक एक महीने से यह कार्यक्रम चल रहा है, जी और इसमें प्रतिदिन 3 जो है उसके सेशन हो रहे हैं, और वो सारा का सारा YouTube पे भी उपलब्ध है, और जी सर, तमाम पक्षों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा है। राइट सर, मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं इंडिका योगा इंडिका योगा, मैं सर इसको देखता हूँ। हाँ इन द मीन टाइम मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट, आप उत्तर देना चाहें तो ठीक, ना देना चाहें वो भी आपके। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? अभी नहीं। स्क्रीन नहीं देख पा रहे, ओके। मुझे दोबारा, ठीक है देख रहे हैं देख रहे हैं। ओके। अब आप देखिए कि जो टेस्ट डेवलप किए हैं, डिजाइन किए हैं, उसमें चार चार प्रत्येक का ग्रुप है। जैसे चक्र, मूलाधार चक्र के चार टेस्ट हमने रखे हैं, चार क्वेश्चंस, और मैं आपको इसका उत्तर भी बता देता हूँ। अभी आप इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ लीजिए कि आर यू कंफर्टेबल विद योर फिजिकल बॉडी एंड आर यू रेयरली सिक। तो मूलाधार चक्र पे इसी तरह स्वादिष्ट, आर यू सेल्फ मोटिवेटेड एंड डू यू अचीव मोस्ट ऑफ योर गोल। अगर आप इस तरह के उत्तर देते हैं, ये एक क्वेश्चनर पूरा डिजाइन हमने किया है मूलाधार चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे अगर आप देखें तो स्वाधिष्ठान में आर यू फ्री फ्रॉम अस्थमा एज वेल एज ऑल एलर्जीज, और आर यू वेरी क्रिएटिव विद योर माइंड एंड डू यू हैव द एबिलिटी टू सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और फिर इसी तरह मणिपुर चक्र के कुछ चार चार सवाल हैं, मैं सिर्फ आपको केवल दिखा रहा हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी बाद में कर दूंगा इसको। मणिपुर चक्र में जो है, आप देखिए सवाल हमने क्या रखा है, आर यू फ्री फ्रॉम ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज अल्सर्स, फूड इंटॉलरेंसेस, ईटीसी, एंड सेकंड जो है, आर यू मेंटली स्ट्रांग एंड क्लेवर, ईटीसी, ये सारा प्रश्न है।
आप इसके कभी भी देख सकते हैं रिजल्ट, साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगा Part 4 में अनाहत चक्र के इसी तरह का है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को लेकर के, ब्रीदिंग को लेकर के। Part 5 में विशुद्धि चक्र में जो है वो थ्रोट शोल्डर जॉज आदि आदि को लेकर के, और बाकी सारी चीजें। आज्ञा चक्र में है कि डू यू स्लीप वेल एंड आर यू एबल टू गेट आउट ऑफ बेड इन मॉर्निंग इजिली विद नो प्रॉब्लम्स। और जो अंतिम सहस्रार चक्र है, डज योर बॉडी फील एंड स्मेल क्लीन एंड इज योर लिम्फ सिस्टम फ्लोइंग फ्रीली, ये शरीर के स्तर पर है। और दूसरा जो आपके मेंटल लेवल पर है, डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ विजनरी एंड इज योर क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन अनलिमिटेड। इस तरह के ये सवाल हैं। इन सवालों के यदि आप उत्तर यस नो या बोथ में देते हैं, तो उसमें से आप देखिए आंसर्स देख लीजिए आप। इफ यू आंसर 4 येसेस इन वन सेक्शन, इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड टू दैट चक्र सेंटर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा है, इफ यू आंसर 3 येसेस, इट मीन्स यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चक्र पावर। इफ यू ओनली आंसर ओनली 2 येसेस, इट मीन्स दैट यू हैव द पॉसिबिलिटी टू यूज दैट सेंटर, बट यू डू नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन। और लास्ट का जो इसका कंक्लूजन है, अगर वो देखें, इफ यू आंसर 1 और 0 येसेस, देन इट शोज दैट यू हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चक्रास फुल पोटेंशियल। तो कुल मिलाकर के ये चक्र सिस्टम के बेस पर ये एक क्वेश्चनेयर डिजाइन किया था, और ये अभी इसको हम पूरा टेस्टिंग में भी नहीं लाए हैं, कोई डाटा अभी इस पर इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जल्दी इस पर करेंगे कोशिश। और इसमें हमने तीनों चारों जो हैं वो लेवल रखे हुए हैं, तो विल शेयर विद यू आल्सो। तो लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग रुचिकर चीजें इस तरह की हैं और कई संभावनाओं को जन्म देती हैं। तो मैडम अनीता जैन जी को मुझे लगता है कि अपनी बात का उत्तर मिल गया होगा। तो जी, मैं डॉक्टर रविंद्र कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, जी, प्लीज सर। हाँ धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद आज के कालजयी प्रासंगिक विषय के लिए। और दूसरा, मिश्रा जी तो ऐसे कह रहे थे जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद हो, वो तो कृष्ण की भूमिका में गीता उन्होंने कोट कर दी हो। और इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि इस विषय पर आप पुस्तक भी लाएं, जो हमारे सहभागी हैं उनसे भी कहिए, और मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि इस विषय पर अपने अपने लेख यदि दे दें तो वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो इसी जी निवेदन के बिल्कुल, साथ मैं मिश्रा जी को नमन करता हूँ और आपको पुनः साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बात कहने के लिए और ये सुझाव वाकई बहुत खूबसूरत है कि यदि आप लोग आर्टिकल्स देखते हैं इस मेंटल हेल्थ के ऊपर, पहले स्लाइड रखिए। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि यम और नियम की संख्या हठ योग में और पातंजलि योग दर्शन में विभिन्न है, क्या परिस्थितियों के आधार पर इनकी संख्या को निर्धारित करना किया जाना चाहिए, या परिस्थितियों के अनुसार इनकी संख्या कम या ज्यादा हो जाती है? जी सर, डॉक्टर साहब, सुविधावादी प्रश्न नहीं, मेरा मेरा विचार ये है कि इसका उत्तर हमारे सामने कई जो साधक हैं या जो उसके आजकल के प्रवक्ता हैं और जिन्होंने उसके स्कूल चला रखे हैं, आप देखें सबने छूट ली है, अपने अपने ढंग से उनकी व्याख्या की है, अपने अपने ढंग से आसनों में परिवर्तन किया है। और दूसरा यह है कि आप क्यों उसको बिल्कुल रिजिड ढंग से माने कि बिल्कुल जैसा एक बार था उसमें आप परिवर्तन अपने अनुभव के, वो भी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बात कही थी, आपको अगर प्रामाणिकता लगती है कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो जरूर करें, मैं इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद सर। और
मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो एक सुझाव दिया था, यदि आप लोग कोई अपने आर्टिकल्स भेजते हैं, रिसर्च आर्टिकल प्रॉपरली और इसी विषय को लेकर के, तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि उसको छपवा सकूं और पब्लिकेशन हम करने के प्रयास करेंगे। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है, अगर आप अपनी परंपरा पे दृष्टिपात करेंगे, गीता से लेकर के योग वशिष्ठ और क्या कुछ नहीं है तंत्र तक, तो बहुत मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन प्रस्तुतिकरण उसका जो है उसको सोशल साइंसेस के हिसाब से अगर आप लिख करके भेजते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको छापेंगे, और चाहें तो हम जर्नल में भी उसको छाप सकते हैं, नहीं तो बुक की फॉर्म में तो उसको निश्चित रूप से छाप ही देंगे। तो आपके इस सुझाव के लिए डॉक्टर रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मुझे लगता है कि समय है धन्यवाद ज्ञापन करने का वक्ता और श्रोता दोनों के लिए। मुझे तो आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे करूं, उसके लिए शब्द बहुत कम है मेरे पास, लेकिन उतने ही संक्षिप्त शब्दों से जिनसे हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार भी करता हूं कि वक्ता ने जिस प्रकार से इस सारे विषय को प्रस्तुत किया है उससे कई और नए आयाम मेरे स्पष्ट हुए हैं, और मुझे लगता है कि उस पर मुझे कार्य और अग्रसर करना होगा, और निश्चित रूप से उनकी मैं सहायता की अपेक्षा रखूंगा, और अपेक्षा क्या, मैं उस पे उन पे अपना अधिकार ही समझूंगा कि वो इस विषय में मुझे अधिकृत करें अपने, कि मैं उनसे जब भी समय चाहूं तो वो मुझे समय प्रदान करेंगे और दिशा निर्देश प्रदान करेंगे, और साथ ही आप सभी श्रोताओं का जो धैर्य पूर्वक टिके रहे हैं, क्योंकि विचार को सुनना और उसके लिए सजग रह के सुनना ये बड़ा कठिन काम होता है, और विशेष रूप से जब इस तरह की टेक्नोलॉजी जब उपलब्ध होती है कि हम अपने वीडियो और माइक ऑन करके जो है वो इधर उधर भी कई बार घूम रहे होते हैं और कई बार सुन भी रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, श्रोता आज जुड़े हैं, वो बड़े गंभीर थे और उनकी दृष्टि और ज्ञान का विस्तार हुआ है, और वो भी कुछ ना कुछ इस तरह का भविष्य में प्रयास करेंगे। और एक विनम्र निवेदन के साथ मैं आप लोगों के प्रति अपना आखिर में आभार व्यक्त करूंगा। आप लोगों के पास यदि ऐसे कोई विषय हैं जो भारतीय संस्कृति को हम नए ग्रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा कोई भी विषय है तो वो आप हमें सूचित कर सकते हैं, और मुझे ऐसे व्यक्तियों का नाम भी सुझा सकते हैं जिनका हमें लेक्चर जो है वो वक्तव्य करवाना चाहिए। जैसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ पंच महाभूतों के ऊपर चर्चा करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिसको दोनों पक्ष आते हों, भारतीय परंपरा में पंच महाभूतों का स्वरूप और साथ ही साथ जो बेसिक साइंसेज हैं उसके विषय में भी उतनी ही उनको जानकारी हो, और इसी तरह से कॉन्शियसनेस के ऊपर भी एक भी योजना है, लेकिन वो व्यक्तित्व तो वैसा चाहिए, वैसा ही वक्ता चाहिए जिसको मेडिकल बैकग्राउंड भी क्लियर हो और भारतीय परंपरा भी स्पष्ट हो। तो इस तरह के बहुत सारे विषय आने वाले समय में हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन यदि किसी वक्ता का आप नाम सुझा सकते हैं या आपको लगता है कि कोई विषय ऐसा सुझाया जाना चाहिए तो कृपया जरूर मुझे सूचित करें, क्योंकि सौंदर्य जैसे विषय अभी रहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट का विषय अभी रहता है, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो समय समय पर मैं लेता रहूंगा, लेकिन वक्ताओं की कई बार कमी लगती है क्योंकि मेरे सीमित साधन है ना, मेरा उतनी क्षमताएं उतनी है, तो यदि आप लोग इसमें सहयोग करें कि कोई किसी व्यक्ति का नाम जो उपयुक्त वक्ता है उसका नाम अगर सुझाते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको इस तरह के विषयों के लिए आमंत्रित करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं है तो, लेकिन फिर भी शब्द की सीमा है, तो सीमा के भीतर ही मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव अनुभव करते हुए आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपकी सत्ता को स्वीकार करता हूँ, उसके प्रति विनम्र भाव से झुकता हूँ। तो आप लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, आप लोगों ने यदि अपना फॉर्म भर लिया है तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और अगली सूचना आप लोगों को प्रेषित करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है तो बता दें। सर लिंक नहीं ओपन हो रहा।
मैम ऐसा नहीं है, लिंक तो सर ओपन सिक्स होना, उसको दोबारा पेस्ट कर लीजिए। सर हो ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, नोट एक्सेप्टिंग आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में, आप 5-7 मिनट के बाद आप कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, एक एक प्रश्न था, मैं अक्षय मिश्रा बोल रहा हूँ। जी 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 सर, पहचान रहा हूँ। सर हाँ, वो एक्चुअली जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे सारे कि हम मन को संयम, प्राय शास्त्रों में मन को संयमित करने की बात कही गई है, तो उसमें मैं थोड़ा जानकारी चाहता हूँ, कहीं मन को संयमित करने के बाद फिर कहीं प्रवर्तित करने की भी बात कहीं कहीं कही गई है क्या? मन को कहीं और प्रवृत्त किया जाए ताकि मन इन जैसे जो भोग की बात कर रहे थे उनसे प्रवर्ती, उनसे निवृत्त हो, ऐसा कुछ है? कहीं बात हुई है ऐसा कहीं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर प्लीज पहले आप ना अपने आप को अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। लोगों, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, अक्षय जी, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि छोड़ गए हैं मीटिंग से। हाँ अच्छा जी डॉक्टर, हाँ, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसको देखते हैं। और लिंक आप लोग एक बार रीचेक कीजिए, खुल रहा है लिंक, और फिर इसको जैसे ही हम मीटिंग समाप्त करेंगे तो फिर वो लिंक बंद हो जाएगा, फिर और नहीं उसमें एडअप हो सकेगा। तो एक बार देख लीजिए, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताइए, और बाकी तो मैंने चीजें आप लोगों को बता ही दी हैं। यदि किसी वक्ता का कोई नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि पंच महाभूतों के ऊपर उसकी साइंस और उसका भारतीय परंपरा पे, या उस पे कॉन्शियसनेस पे, या सौंदर्य के ऊपर, इस तरह के बहुत सारे विषय हैं तंत्र पे, तो आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अब मीटिंग छोड़ सकते हैं यदि आपने फॉर्म भेज लिया है।